अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जकी पेट्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। अच्छा, ये जो आपके सामने पड़े हुए पत्थर वगैरह कोई भी नहीं है, ये है टर्टल। इसके अंदर आपको इसको नजर आएगा, ये टर्टल है। तो ये वाले जो टर्टल हैं ये है रेड ईयर स्लाइडर टर्टल। अगर अभी अपना मुंह वगैरह फेस वगैरह बाहर निकालेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा इसका कैसे पता चलता है जैसे कि वो निकाल रहा है। ये कंफर्म पेयर है, इसमें आपको मेल और फीमेल का भी बता देता हूँ किस तरह वो चलेगा। इसका 1 मिनट के लिए फेस आ जाए बाहर। चलो मैं आपको ऐसे दिखा के बता देता हूँ। अच्छा, इसकी आप देखेंगे टेल बहुत ही छोटी सी है, ठीक है। ये जो टेल है ना, ये यहाँ पे ये बहुत छोटी है। और इसकी अब देखें, इसकी लंबी है, तो इसका मतलब है जिसकी लंबी है वो फीमेल है और जिसकी छोटी वो मेल है। अब आपको इसका साइज़ का डिफरेंट पता चल जाएगा। साइज़ में ये बड़ी है, ये छोटा है, तो इसका मतलब है ये मेल है और ये फीमेल है। क्योंकि इनके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, जो बाकी जितने भी रोडेंट्स वगैरह होते हैं, इनमें फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है। अब आपको ऊपर साइज़ देखेंगे कोई आइडिया हो जाएगा। ये देखें इसका, अच्छा पैटर्न आप नीचे से देखें, ये क्योंकि एक ही ब्रीड की एक जैसे होंगे, इसके अंदर कोई ऊपर नीचे नहीं होता, एक ही जैसे रहते हैं। इनके नेल्स वगैरह बाकी चेक करें, इनके अंदर चेक वगैरह अगर कभी अपने लेने जाना तो इसमें अपने सबसे पहले नेल्स वगैरह चेक करने, इनके कि नेल सही हैं इनके। हाँ जी, नेल इनके सही हैं। इसके पिछले देखने हैं, पिछले पोंगे वो भी सही होने चाहिए। इसी पैटर्न में एक और टर्टल आता है, ग्रीन टर्टल। वो ग्रीन टर्टल अक्सर जो समंदर वगैरह के अंदर होते हैं वो वाले होते हैं टर्टल। लेकिन उसके बाद अपने इसका एक शेल चेक करना है, शेल इसका हार्ड है कि नहीं हार्ड। अगर नहीं हार्ड, नीचे से चेक करना है हार्ड है नहीं हार्ड ना, तो अगर नहीं है तो आपने फिर इसको सनबाथ वगैरह रेगुलर देनी है, फिर उसकी वजह से इसका शेल हार्ड हो जाएगा। ये देखें, अभी फेस अपना बाहर निकालेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको थोड़ी देर पानी में छोड़ता हूँ, फिर ये हो जाएंगे, बाहर आएंगे। पानी में छोड़ा था लेकिन अभी तक इन्होंने जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दिया, तो मैंने इसलिए बाहर निकाल दिया। अच्छा, इनको, इनके लिए लोग पूछते हैं कि सेटअप वगैरह किस तरह करना चाहिए। अच्छा, ये पेयर है, अभी तकरीबन ये कोई 10 to 12 ईयर्स में ये एग लेइंग पे आ जाएगा, उससे पहले नहीं आएगा क्योंकि इनका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। तो उसके वजह से अंडे देगा, तो तकरीबन ये अंडे देते हैं, फीमेल देगी अंडे को 4 से 8 तक। तो उसमें से तकरीबन तकरीबन आपने अंडे वहाँ से उठा लेने, इनक्यूबेट करने, तो इनक्यूबेट करने के तकरीबन 62 to 68 डेज में इनके बच्चे निकल आते हैं। बच्चे पैदा होते साथ ही चलने लग जाते हैं, फिर उनको साइड सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर लोग पॉइंट्स वगैरह पूछते हैं कि पॉइंट्स क्या होते हैं इनको अगर लेना है, तो इसकी आप आइज़ देखेंगे ना, वाइट आइज़ में है। ये देखें, ये वाइट आइज़ में है, जितना वाइट आइज़ में उतने अच्छे हैं। अगर किसी भाई ने कोई भी टर्टल वगैरह लेना हो तो वो मिल सकते हैं। ये जो आजकल ये जो टर्टल है ये आजकल बैन है, इन पर पाबंदी लगी हुई बड़ी स्ट्रिक्ट, तो सेल परचेज इनकी बंद की हुई है। तो लेकिन जिसको चाहिए होंगे उसको मिल जाएंगे। तो ये कि वो यही होता है कि सस्ते मिलेंगे, इतने को महंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को हम बताते हैं कि हमने ना बंदे को देना है शौक़ के लिए। वो तकरीबन आप शौक़ पूरा करेंगे तकरीबन 4 से 5 महीने, उसके बाद आपको वापस देना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ को। तो अभी ये एज इनकी हो गई कोई ऑलमोस्ट 6 मंथ है। अभी इन्होंने साइज़ वगैरह अपना थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, ये जितना हाथ का अपना साइज़ होता है इतना हो जाएंगे, ये उससे बड़े नहीं होंगे फिर ये। बाकी ऊपर से इनका पैटर्न चेक करें। अभी जिनका कलर आपको थोड़े टाइम बाद दिखाऊंगा, आपको ये वाला कलर नहीं होगा इनका, इनका कलर चेंज हो जाता है। देखिए, फीमेल ने अपना मुंह बाहर निकाला हुआ, मेल नहीं, क्योंकि फीमेल ज़रा थोड़ी सी होती है, उसको काट भी ले उसको कोई नहीं। अभी अभी ऊपर से देखें,
इसकी आपको टेल नहीं नज़र आ रही, इस वाले की, उस वाले की टेल नज़र आएगी। फीमेल की टेल ये लंबी होती है, मेल की छोटी होती है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इनका बाइट वगैरह कोई चांस नहीं होता, क्योंकि टर्टल बाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते, फुल टेम हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि आप, मैं इधर खड़ा हुआ ये बाहर आ गई है ना, जिन मुँह वगैरह बाहर निकला हुआ है। तो अगर ये ना हो, फुल वाइल्ड हो जाएंगे, आपने कहीं से पकड़ के फिर आपने किया, वो कभी भी नहीं ऐसे मुँह बाहर निकालेंगे, वो फिर अंदर ही बैठे रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन क्लिक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आप इसके ये देखें, ईयर के साइड आपको रेड रेड नज़र आ रहा है, इसलिए इसको रेड ईयर स्लाइडर टाइटल कहते हैं।